वेलकम टू स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के अंदर बार बार पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 25 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। पूछा क्या गया प्रश्न, प्रश्न पूछा कि ऊपर से छठा स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। देखिए, वापिस पढ़िए, गोविंद का ऊपर से सातवां छठा स्थान है और गोविंद से सातवां स्थान किसका है? तो कृष्ण नीचे से कितवें स्थान पर है? तो दोस्तों, कहने का मतलब है इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल कुल 35, कितने हैं 35। अब देखिए, गोविंद का ऊपर से सातवां, तो ये तो हो गया, देखिए ऊपर से छठा और नीचे सात, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए आपके 13। 35 में से 13 को लेस करेंगे, दो और प्लस एक करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा 23। इसका राइट आंसर कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 23। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे 8107561363 के ऊपर भेज सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक PDF वगैरह मिलती रहेगी। तो आप ये बता दीजिए कि सर मैंने आपके नंबर डाउनलोड कर लिए है, यानी जो नंबर है वो सेव कर लिया है, तो ये नंबर आप लिख लीजिए बिल्कुल, और नंबर लिख लीजिए और नंबर लिख लीजिए या 8107561363 और सेव कर लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक शब्द दे रखा है बड़े अक्षरों के अंदर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसमें प्रत्येक पीछे, आगे और पीछे दोनों से हो रहा, कैसे? देखिए, F, G, H, I, J, K, L, M, पहले बार जो पहला पूछ रहा है ना, पहला तो यहाँ पर नहीं हो रहा। अब देखिए, R, S, T, U, V, W, X, ये भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अब देखिए, E, F, G, H, I, J, नहीं हो रहा। Q, R, S, टी नहीं हो रहा है, यू के बाद में भी नहीं, ई एफ जी ने एन नहीं। अब पीछे से देखिए, एस टी, टी के बाद में यू वी डब्ल्यू नहीं हो रहा है, एन ओ पी क्यू, क्या हो रहा है, एन और क्यू हो रहा है। क्यू के बाद में देखिए, क्यू के बाद में देखिए, आर एस नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी देखिए, एन वाला भी आपका नहीं हो रहा है। E के बाद में F, G, H, I, J, ये भी नहीं हो रहा। अब देखिए, U, V, W, X, Y, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए Q के बाद P, Q के बाद R, E, F, G, ये भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या, कौन से जोड़े बनेंगे? एक जोड़े बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? एक जोड़ा बनेगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तकों को कहते हैं घड़ी, घड़ी को कहते हैं बैग, घड़ी को क्या कहते हैं? बैग। बैग को क्या कहते हैं? शब्दकोश। बैग को क्या कहते हैं? शब्दकोश। और शब्दकोश को कहते हैं खिड़की। और देखिए, खिड़की कहते हैं तो पुस्तक को क्या कहते हैं? देखिए, पुस्तक किस में ले जाते हैं? पुस्तक दोस्तों बैग के अंदर ले जाते हैं, और बैग को क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दकोश कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शब्द आपके सामने देखिए, किसी निश्चित गुप्त भाषा के अंदर प्राइवेट लिखा हुआ है और रिस्क लिखा हुआ है, रिस्क। अब इसमें देखिए, आर का कोड यहां पर दो, यहां पर भी आर का कोड दो, तो दो यहां आर का कोड आ जाएगा। आई देखिए, एक दो तीन नंबर पे आई, यहां पर तीन। वी, एक दो तीन चार पर भी, पाँच पर देखिए, पाँच पर क्या है,
देख ई किस पे है, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट कितने सात, तो सात। टी कितने हैं, लास्ट से सेकंड, तो यहाँ पर लास्ट से सेकंड क्या आ रहा है, एस किस पे है, एस देखिए फर्स्ट सेकंड नौ। अब जो ये संख्या किसके अंदर है, 23, 47, 69, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में नहीं है ना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए कीमती है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि प्लस को गुणा कहते हैं, तो देखिए प्लस है, प्लस की जगह क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा का मतलब भाग देना, गुणा का मतलब क्या देना, भाग देना। माइनस का मतलब जोड़ना, तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और भाग का मतलब है घटाना। देखिए चार का भाग इसमें देंगे, कितनी बार गया, सबसे पहले दो बार गया, तीन इंटू दो इंटू तीन कितने हो रहे, माइनस के छः। अब देखिए ये कितने, ये कितने हो गए, 22, 22 में से 6 गए, कितने बचे 16, कितने बचे 16। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है, क्या है, किसी महीने की 23 तारीख को क्या बार है, रविवार है। प्रश्नों को समझना और प्रश्न का उत्तर देना, ये सबसे बड़ी, देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चंस देखिए आप, कि किसी महीने की आखिर, किसी महीने की 23 तारीख को रविवार। अब कौन सा महीना ले, जनवरी ले, फरवरी ले, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कोई भी, 23 तारीख और 23 तारीख को कौन सा वार है, रविवार है। ये मैंने माना कि भैया ये कोई भी वार ले लीजिए, यहाँ क्या है, रविवार है। अब देखिए आगे सवाल क्या पूछ रहा है, आगे सवाल क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 2 सप्ते और 4 दिन पहले, अब दोस्तों 2 सप्ते का मतलब क्या, 14 दिन और 4 दिन पहले, प्लस 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो दोस्तों ये कितने हो गए, 18, इनमें से लेस कर देंगे, पीछे बचा कितना है, पीछे बचा 5, कितना बचा 5, अब 5 बचा है। अब देखिए दोस्तों, अच्छा है 5, देखिए रविवार, रविवार से पहले ये आपका रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, तो इसका राइट आंसर देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां वार कौन सा है, बुधवार है। कौन सा वार है, बुधवार है। कौन सा वार है, बुधवार, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न को समझना है और उत्तर देना, अच्छा प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। एक घड़ी को जिस में केवल 3, 6, 9 और 12 बजे हैं, देखिए यहां पर 12, 3, 6, 9 बजे, एक दर्पण को सामने उल्टा रख दिया जाए, दर्पण को सामने क्या रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए। अब पूछा गया है कि प्रतिबिंब 9:50, ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 17:90 में से लेस कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, 17:90। अब यहाँ पर आप देखेंगे 17:90 में से 9:50 कितने बचे, 40, तो आपका सीधा आंसर हो गया, कहने की जरूरत नहीं, 8:40 क्या है, 8:40, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये जो प्रश्न थे सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न के, हमने इसका सॉल्यूशन किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए।